अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सांझ न्यूज़ और मैं हूं राबिया यूसुफ। सबसे पहले अब तक की हेडलाइन। अदालती हुक्म के बावजूद परवेज मुशर्रफ की वतन वापसी ताखीर का शिकार। साबिक सदर का पासपोर्ट ब्लॉक है, टिकट भी नहीं मिली। तर्जमान APML का कहना है पासपोर्ट बहाली के बाद मुशर्रफ दस्तियाब फ्लाइट पर वापस आएंगे। सुप्रीम कोर्ट की मुशर्रफ को वतन वापसी के लिए दोपहर 2 बजे तक की मोहलत। मैं आ रहा हूं कि गर्दान ना करें, कमांडो हैं तो पेश होकर दिखाएं, ना आए तो फैसला देंगे, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की लंदन रवानगी। साबिक वजीर आजम और बेटी कुलसूम नवाज की अयादत करेंगे। दोनों की ईद के बाद बरतानिया से वापसी। मरियम नवाज कहती हैं वालदा से मिलने के लिए बेताब हूँ, दुआओं की अपील। एमन फील्ड रेफरेंस की समाअत। नवाज शरीफ और मरियम नवाज को हाजिरी से इस्तिस्ना। मरियम नवाज के वकील दलाइल देंगे। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर केस की समाअत कर रहे हैं। मारगला में गैर कानूनी तामीरात का केस। सुप्रीम कोर्ट ने DG सर्वे जनरल पाकिस्तान को तलब कर लिया। वकला की जाली डिग्रियों के केस में गैर इलाकशुदा कॉलेज की तफसीलात भी तलब। छोटी ईद पर बाजारों में बड़ी रौनकें। शॉपिंग का हतमी मरहला जारी। रेडीमेड कपड़ों की दुकानों पर खूब रश। मैचिंग ज्वेलरी, जूतों और बैग्स की भी खरीदारी। बच्चों के फरमाइशी प्रोग्राम्स भी जारी। ईद पर कुदरत भी होगी मेहरबान। हफ्ते से प्री मानसून बारिशों का इम्कान। नम हवाएं जुमे से बरसने वाले बादल साथ लाएंगी। महकमा मौसमियात ने बालाई इलाकों में बरसात की खुशखबरी सुना दी। फिलिस्तीन में इसराइली मुजालिम पर जनरल असम्बली में मजम्मती करारदाद मंजूर। शहरियों के कत्ले आम की जिम्मेदारी हमास पर डालने का इल्ज़ाम मुस्तरद। 120 ममालिक ने करारदाद के हक में वोट दिया, 8 ने मुखालफत। इंतखाबात का पुरअमन इनेकाद। इलेक्शन कमीशन का मिशन सिक्योरिटी अमूर पर अहम इजलास आज इलेक्शन कमीशन में होगा। चारों सूबों के इंतजामी अफसरान और IG शिरकत करेंगे। पोलिंग स्टेशन पर फौज की तैनाती से मुतलिक भी फैसला मुतवक्के। ज़रई पानी पर टैक्स ना देने पर आसिफ जरदारी के कागजात नामजदगी पर एतराजात। नवाब शाह के RO का साबिक सदर को 18 जून के लिए नोटिस। लाहौर में इमरान खान के कागजात चैलेंज, कप्तान की भी 18 जून को तलबी। टिकटों की तकसीम पर खिलाड़ियों के एतराजात। PTI के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास आज होगा। आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों में टिकटों की तकसीम पर नजरसानी दरखास्तों का जायजा लिया जाएगा। अदालत उज़्मा की तरफ से छोटी ईद पर पाकिस्तानियों को बड़ी खुशी मिल गई। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद शुरू। अब 100 रुपए के कार्ड पर 100 रुपए ही बैलेंस आएगा। पाकिस्तानी इस इकदाम पर खुशी से निहाल। ईद उल फितर जुमे की होगी या हफ्ते को रवैत। हिलाल कमेटी शिवाल के चांद की तलाश में आज बैठेगी। सऊदी अरब में ईद का चांद देखने के लिए इजलास भी आज होगा। 29वीं रमजान उल मुबारक पर मजलिस उल हराम में खत्मुल कुरान। ईद का मज़ा तो अपनों में है, परदेसियों की वापसी का सिलसिला जारी। लारी अड्डों पर रश, सीट का हसूल मुश्किल हो गया। ट्रांसपोर्टर्स माफिया की भी मनमानियां। इजाफी किरायों की वसूली की शिकायत, मुसाफिरों की तकरार। आपने जानी अब तक की हेडलाइंस। मज़ीद तफ़सीलात और ख़बरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें www.sanjhnews.com।